रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले हम उठ चुके हैं जल्दी और नहा कर हम आ चुके हैं हमारे स्टडी टेबल पर, और उसके बाद हमने बनाई टू डू लिस्ट, क्योंकि बिना किसी प्लान के हम उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो यह भी हमारी एक प्लान ही है कि हमें किस तरह अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो उसके लिए हमें टू डू लिस्ट यानी कि प्लानिंग तो करनी ही होगी ना। सो या तो हम कुछ लगाएंगे सेशंस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है, आपने वीडियो के थ्रू देख लिया है कि हम कौन कौन सब्जेक्ट आज कवर करने वाले हैं। तो हमारी आज की जर्नी स्टार्ट होती है। तो रीसेंट के बहुत सारे वीडियोस में मुझे कमेंट में पूछा गया था कि आप मैथ किससे करते हैं, उसकी बुक्स या फिर कोई YT चैनल हो तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताना। तो मैंने कमेंट में रिप्लाई कर ही दिया था, बट मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताना चाहती हूँ कि मैंने राकेश यादव सर की बुक ली है मैथ्स में, एंड जो कि करियर वे लैब पर उनका सेशन भी होता है। सो मैंने उनकी मैथ की बुक ली है। उसके बाद मैं PYQ करती हूँ, एज़ यू ऑल नो यू आर रेगुलरली वॉचिंग माई वीडियोज़, उन्हें पता ही है कि मैं आदित्य रंजन सर के PYQ सेशन को अटेंड करती हूँ डेली, और जो कि YT चैनल पे उनके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है। तो हमें ऐसा कंटेंट ढूंढना होगा एंड हमें कोई सा एक टीचर ऐसा पकड़ के मतलब उन्हीं के सेशन करने होंगे। मतलब आप बार बार किसी को चेंज नहीं कर सकते, ताकि क्या है कि आपका भी एक रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा कि वह सर क्या बताना चाहते हैं हमें। तो या आज का सेशन हम लगा रहे हैं रेगुलरली, एंड ये है आदित्य रंजन सर जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ, और इन्हें कौन नहीं जानता भाई, SSCGL के PYQ में ये सर मास्टर हैं, एकदम एकदम पिक है सर का। तो इसी तरह आज का सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं एंड रेगुलरिटी हमारी भी अच्छे से मेंटेन हो रही है, क्योंकि हमने भी एक सीक्वेंस अप एक लाइन पिक होता है ना, वहाँ तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो लाइन हम रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं। और ये मैं कैलेंडर देख रही हूँ कि 2023 का मेरी अभी तक टेबल पे पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा अब इसको साइड में कर लेते हैं, क्योंकि अब 2024 स्टार्ट हो गया है। एंड शाम को मैं चली गई थी सनसेट देखने के लिए, यहाँ का व्यू इज़ लाइक अमेजिंग, और सन तो पता नहीं कहाँ गायब ही हो गया एकदम बादलों में, एंड थोड़ी बहुत ट्रैकिंग टाइप करी हमने। ऐसे गांव में ऐसी जगह होती रहती है जहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि ट्रैकिंग करने आए हैं। तो या आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।